नहीं है इमेजिनेशन डॉट कॉम। आज हम सीखेंगे कि जो प्लाजो बहुत ही पतला होता है, सीधा सा होता है, और इसमें हमारे लेग जो है वो अच्छे से घूम नहीं पाती है, तो इस प्लाजो को बड़ा कैसे करें, इसकी चौड़ाई को कैसे बढ़ाएं। सो फ्रेंड्स, आपको मैं समझाऊं कि काफ़ी सारे जो रेडीमेड प्लाजोज आते हैं तो वो एकदम से सीधे 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 होते हैं। सीधे सीधे सिलने की वजह से यहाँ से हमें कम पड़ते हैं और ये जल्दी ही फट जाते हैं। तो इसका इलाज है हमारे पास। देखिए, अगर आपके पास सिमिलर कलर का कपड़ा है तो आप वो ले लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि प्लाजो आपको लंबा हो तो आप इसके लंबाई को काट लीजिए। लंबाई को काटने के बाद उधर से एक कपड़ा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने लंबाई को काटा है और मेरे पास इतना कपड़ा आ गया है। अगर आपके पास कपड़ा इससे कम आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, हमें ज़रा सा ही चाहिए, आप इसमें से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कपड़ा यहाँ से और यहाँ से पूरा ही कम है। अगर हम इसमें ये कपड़ा नहीं डालेंगे और इसको इसी तरीके से पहनते रहेंगे तो ये जल्दी से फट के हमारे पास आ जाएगा और फिर इसकी कोई लाइफ नहीं रहेगी और हमारे सभी मनी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, मैं आपको मेजरमेंट भी बता दूंगी, या फिर आपके पास कोई प्लाजो है अपना तो वो भी रख के आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्लाजो इस तरीके से कम तो नहीं। तो फ्रेंड्स, ऊपर से लेकर 4 इंच पे आप मेजर कर लीजिए। इलास्टिक के बाद आपको ये निशान लगाना है और उसके बाद आपने ऊपर से लेकर 13 इंच पे ये निशान लगाना है, ठीक है, और फिर यहाँ से 6 इंच पे लगाना है, 4 इंच, 13 इंच एंड ये वाला 6 इंच। तो ये मार्क करने के बाद एक्चुअली आपके पास कुछ इस तरीके का शेप रहेगा। अब मैं आपको ये वाला प्लाजो भी रख के, ये वाला जो कपड़ा है इसको रख के बता देती हूँ कि कैसे करना है। ये डबल कपड़ा है, आगे पीछे के लिए। सो दो टांगों का बचा है तो डेफिनेटली हमारे पास कपड़े हो जाएंगे 4। तो एक्चुअली हमें इस तरीके की 4 तय चाहिए, 1, 2, 3, 4। मैं एक पे निशान लगा लेती हूँ, दूसरे पे अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऊपर से जो फ्रेंड्स आपने 13 इंच पे मार्क किया, या इलास्टिक के समेत, इलास्टिक के साथ मार्क करना तो 14 इंचेस पे मार्क किया, तो इसको आप इधर ले आइए कुछ इस तरीके से, और फ्रेंड्स फिर यहाँ से इधर इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए, और जितना भी कपड़ा है उसको पूरा एंड तक ज्वाइन कर दीजिए। ये आपकी म्यानी का कपड़ा बन जाएगा जो कि आपको इस प्लाजो में एक्स्ट्रा चाहिए। जब हम सिलाई करेंगे तो आधे इंच का मार्जिन के साथ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपके पास इस तरीके का प्लाजो है ऑलरेडी जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि आपको कितना चाहिए, तो आप अगेन इस कपड़े को रखिए और फिर ऐसा टर्न कर लीजिए और यहाँ पर ऐसे करके निशान लगा दीजिए। सिमिलरली यहाँ से भी टर्न कर लीजिए और इधर से ऐसे करके निशान लगा दीजिए, आपके दोनों तरफ से निशान आ जाएंगे। अब हम इस निशान को दोनों कपड़ों पे रख लेते हैं, इसको हटा देते हैं और अब इनको कटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब इसकी कटिंग करके आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये प्लाजो और ज्यादा लूज चाहिए तो आप इसको और ज्यादा लूज भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आपको टाइट लग रहा है उतना ज्यादा आप लूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, प्लाजो का जो बीच का हिस्सा है उसको इस तरीके से उधेड़ लीजिए, इसी तरीके से दूसरी साइड से भी उधेड़ लीजिए। फ्रेंड्स, अब इन दोनों कपड़ों के सही साइड एक दूसरे की तरफ रखते हुए यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। ऊपर से हमने फ्रेंड्स 4 इंच छोड़ा है, 4 इंच के बाद हम यहाँ से इसको रख के सिलाई करना शुरू करेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में स्टिच लगा देंगे एक, इसी तरीके से हर जगह पे स्टिच करना है। आसन के लिए इस साइड पे भी स्टिच करना है, चारों साइड पे, दो आसन आगे के, दो आसन पीछे के लिए स्टिच कर देंगे। जैसे हमने ट्राइंगल्स हर जगह लगा लिए, 1, 2 और बाकी के 2 भी मैंने लगा लिए। सो अब करना क्या है, इस तरीके से कपड़े को रखिए, ठीक है, और इसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा इतना स्टिच करना है, नीचे वाला स्टिच नहीं करना आपस में। ऐसे ही दोनों साइड पे किया मैंने। तो अब मैं अगर आपको ओपन करके दिखाऊंगी तो ये बीच वाला हिस्सा स्टिच करने से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। आप देखिए आपका जो प्लाजो है वो कितना ही अच्छे से खुला हो चुका है। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड पे इतना इतना स्टिच कर लिया, यहाँ पर भी और इसके पीछे भी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके मिडल पॉइंट को आपस में मिलाएंगे और इस तरीके से रख लेंगे, आपस में मिडल पॉइंट्स को मिलाते हुए। अब सिलाई मशीन पे जाकर इसको बहुत ही प्यार से रख के, और अब यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको स्टिच कर लेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर भी इसके मिडल पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आप इसको स्टिच कर लेंगे।
ताकि झोल ना पड़े। इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर लीजिएगा। सो चलिए अब हम इसको बीच में से भी पूरा स्टिच करके आते हैं। स्टिच करना है सेंटर वाला खोल के, और जो हमने ऊपर वाला स्टिच किया था वो इस तरीके से बंद करके ही यहाँ तक स्टिच किया। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं हमने प्यारे से प्लाजो को इतना अच्छे से इतना लूज़ कर लिया है। इस तरीके से आप भी कीजिए। कुछ इस तरीके से हमारा रेडीमेड प्लाजो को हमने लूज़ कर लिया है। ऐसे ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा।